वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, एक शहरी से मतलब कि आज शहरी से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो ये बादशाह माशाल्लाह से सामने आ रहे थे। उसको बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके से नमाज में आने का सामने। तो बस जी माशाल्लाह से उसकी शरारतें चल रही थी। और रमज़ान का ये तो फ़ायदा होता है कि इंसान को तहज्जुद मिल जाती है। और बस जी अब रोज़ा रखने की तैयारी हो रही थी, सहरी की तैयारी करने लगी थी मैं। और जी बस इबाद का तो टोटली फोकस जो है वो उसके कार्टून्स पे ही होता है। और सहरी में जी आज हमने नान चने खाए थे, तो बहुत ही मज़ा आया था सुबह सुबह नान चने खाने का। तो जी यहाँ पे मैं अपनी जो है कैल्शियम और विटामिन्स की पिल्स जो हैं वो भी खा रही हूँ, क्योंकि जी रोज़ा खोलने के बाद बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और बस जी फिर मैंने रोज़ा रखने के बाद नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे जी थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत की थी। और जी दिन में जब मैं उठी तो उठ के मैंने जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और जी थोड़ी सी मेरी लॉन्ड्री होने वाली थी वो की थी। तो बस जी इतनी देर में ही अफ्तारी का टाइम थोड़ा सा करीब हो गया था। तो यहाँ पे जी आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, तो उसकी जो है चटनी खट्टा पानी जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए जी जो है इमली, उसको मैंने थोड़ा सा कुक कर लिया था और यहाँ पे मैं उसको छान रही हूँ। तो जी जब मैंने इमली छान ली थी, तो अब मैं उसमें सारे अपने स्पाइसेस यहाँ पे जो मैं ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला, थोड़ी सी मैंने नमक और स्वीट मिर्च ऐड की हुई थी जब मैं इमली को पका रही थी तब। और बस जो है हमारी इमली की चटनी खट्टा पानी जो है वो रेडी था। और आज मैंने सोचा कि जी बच्चों को सैंडविचेज़ वगैरह बहुत पसंद होते हैं, तो यहाँ पर जी आज मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविचेस। तो उसके लिए जी जो है ब्रेड, उसके कॉर्नर साइड्स जो है ना, मैं वो सारी उतार रही हूँ। तो कट करके मैं इन्हें रख लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा ऐसे जो हैं थोड़े थोड़े काम वो मैं साथ साथ कर लूँ, ताकि आप सारे टाइम पे ज़्यादा बर्डन ना बने। तो बस ये जो मेरे ब्रेड के स्पाइसेस हैं उनके जो हैं साइड्स वो मैंने उतार लिए थे। फिर जी यहाँ पे मेरे पास था बोनलेस चिकन, तो उन सब के मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कह दें, क्यूब्स कह दें, या जो भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। तो ये जी क्लब सैंडविचेस में मैंने यूज़ करने हैं, और उसको मैं अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो कट हो गया था, और अब मैं उसका मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने थोड़ा सा लहसुन पेस्ट जो है उसको थोड़ा सा सौते कर लिया था, अब मैं उसमें चिकन को डाल के उसको भी अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। और इसमें जी जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा, तो इसमें मैं साथ ही थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। जब चिकन कुक हो रहा हो तो उसमें थोड़ा सा नमक और सिरका डाल देने से उसका चिकन का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर उसमें आ जाता है, तो जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस जी जब थोड़ा सा हमारा चिकन कुक हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपने बाकी स्पाइसेस जिसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ी सी दलदल मिर्च ऐड की थी, और ये सब कुछ ऐड कर देने के बाद मैं इसको थोड़ा सी देर के लिए मज़ीद कुक करूँगी। तो जी अगला जो पार्ट है वो मुझे ऐड करना याद नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ी सी इसमें केचप्स भी ऐड की थी। तो जी ये आजकल हमारी नमाज़ें ऐसे ही चल रही हैं, तो माशाल्लाह से ये बात का दिल कहता है कि जब भी कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो वो उसके सामने ऐसे ही आके शरारतें शुरू कर देता है।
तो जी बस माशाल्लाह से ये बात की शरारतें बहुत ही मज़े की होती हैं, और अल्लाह ताला मेरे बेटे को सबके बच्चों को बहुत खुश रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कराता रखे। और बस जी यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं उसके लिए मैंने आलू चने भी रेडी कर लिए थे, थोड़े से मेरे पास बॉयल्ड जो है चने थे तो बस मैंने उनको ही आज यूज़ किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर जी जो मैंने ब्रेड के स्लाइसिस दिए थे उन पर मैं थोड़ी थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा के रख रही हूँ, तो बाद में मैं इनको ग्रिल कर लूँगी। और यहाँ पे जी जो मेरे सारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं उन पे मायोनीज लग चुकी है। तो जी ये सारे ही काम छोटे छोटे होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहाँ पे जी फ्रूट्स कट हो गए थे, अब मैं जो है चाट उसको रेडी करके रखने लगी हूँ। तो चाट में जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, शुक्राल ड्रॉप्स और थोड़ा सा जूस मैं ऐड करती हूँ। तो बस जी हमारी चाट हो जाती है रेडी। और जी यहाँ पे अब हमारा फ्राइंग का काम स्टार्ट हो गया था। तो जी क्लब सैंडविचेस के साथ मैंने बनाने थे फ्राइज़, और अब मैं फ्राइज़ को फ्राई करने लगी हूँ। क्योंकि जी फ्राइज़ और ये क्लब सैंडविचेस जैसी जो चीज़ें हैं वो तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, तो ये बिल्कुल अफ्तारी के पास पास मैंने ये रेडी की थी। तो जो है हमारी ब्रेड वो हो रही थी ग्रिल पैन पे ग्रिल हो रही थी, और बस जी जब हमारी ब्रेड रेडी होगी तो तब मैं उसकी असेंबलिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने एक पीस पे अपना जो चिकन रेडी किया हुआ था उसको सेपरेट कर दिया था, और उसके ऊपर मैंने एक चीज़ का स्लाइस लगाया था। अब जी इसके ऊपर मैं मज़ीद एक और पीस रखूँगी, और उसके ऊपर जो है क्यूकम्बर, और क्यूकम्बर के ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के बस जी हमारा जो है सैंडविच वो रेडी होगा। तो जी हमारा सैंडविच रेडी था, तो अब मैं इनको फोर पीसेस में डिवाइड करना चाह रही थी, और यहाँ पे जी मैं इनको फोर पीसेस में कट कर रही हूँ। जी हमारे सैंडविचेस रेडी थे और अफ्तारी भी बिल्कुल ही साथ ही हो गई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस महंगाई के दौर में भी इतना अच्छा खाना खाने के लिए दिया है। अल्लाह का लाख लाख करोड़ बार शुक्र है कि हम इन हालात में भी इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। तो बस जी अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते रहना चाहिए, दूसरों के लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। तो आप जब भी दुआ करें तो प्लीज़ मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें, मेरे इबाद को भी अपनी दुआ में ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखें। तो बस जी यहाँ पर आज हमारी जो अफ्तारी थी वो रेडी थी। तो जी ये गोलगप्पे आज मेरी भांजी की फरमाइश थी कि जी हाला गोलगप्पे बनाएं, तो बस उसकी फरमाइश पे आज गोलगप्पे थे, और बाकी तो यही सारा कुछ जो होता है। तो यहाँ पे जी आज मेरा दराज का पार्सल भी मुझे रिसीव हो गया था, इस पार्सल में क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस जी इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, ये है जी टैप सिंक फ्यूसेट है। तो जो मेरी पहले टैप है सिंक की जो टूटी है वो बहुत ही उसमें ज़्यादा कम पानी आता है, तो बर्तन धोते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस जी अब वो मेरी भांजी कह रही थी कि हाला मैंने इसकी ओपनिंग करनी है, तो यहाँ पे जो वो ओपनिंग करके दिखा रही है। तो जी ये है वो टैप जो कि मैंने ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ब्लैकिश सिल्वर जो कलर है ना वो ऑर्डर किया था, क्योंकि सिल्वर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उस पर बहुत जल्दी पानी के निशान नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बस जी ये मैंने ऑर्डर की थी इस कलर में। और यहाँ पर जो मैं आपको फ़्लो दिखा रही हूँ अपनी जो सिंक की पहले मेरी टूटी है उसका फ़्लो क्या है पानी का। तो बस जी आज हमने खाने में दाल चावल बनाए थे, और यहाँ पर जो हमारा खाना भी रेडी था।
तो जी बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।